देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। सिवनी जिले में आरएमएस ए के अंतर्गत निराशात्मक कक्षाओं के विशेष महत्व के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन महारानी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार जिले के समस्त शालाओं से गणित विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण रखा। जिले भर में 223 शिक्षक शिक्षिका शामिल हुए, जिसमें 77 शिक्षक ने गणित विषय में बच्चों को सरलतम विधि से समझने अलग अलग मॉडल तैयार किए। शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों को सरलतम विधि से समझा सकें, प्रशिक्षण से जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु तैयार मॉडल से नवाचार किया जा रहा है, जिससे बच्चे प्रैक्टिस के रूप में जल्दी समझ सकेंगे। संस्था का परीक्षा परिणाम में सुधार होगा। ये मासिक शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, 5 विषय में चल रहा है संस्कृत को छोड़कर के, और प्रति माह ये आयोजित कर रहे हैं हम। रिजल्ट बढ़ाने के लिए विशेष रूप से गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए और रिमीडियल क्लास के लिए, तो निदानात्मक कक्षाओं के संचालन के लिए राज्य मुख्यालय से मॉड्यूल भी जारी हुए हैं, जिनकी 2-2 प्रतियां करा करके हमने शिक्षकों को और प्राचार्यों को दिया है, और उसी संबंध में यहाँ पर हर माह हम प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और विषयवार प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, और इसका एक अच्छा प्रभाव हमारे को बच्चे में देखने में मिल रहा है, और इस वर्ष मुझे उम्मीद है कि हमारे जिले का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। इसी के साथ में हमने एक नवाचार किया है, सभी गणित के शिक्षकों की ट्रेनिंग आज हो रही है, और गणित के शिक्षकों ने मॉडल बना के लाए हैं, शैक्षणिक सहायक सामग्री बना के लाए हैं, और उसकी एक प्रदर्शनी हमने लगाया है, और उसके साथ में उनका हम PLM बैंक बनाने जा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक बैंक बनाने जा रहे हैं। तो इसी स्कूल में हमने एक कमरा रिजर्व कर लिया है, जिसमें सारे मॉडल्स को हम रखेंगे, और जब भी मैथ्स की ट्रेनिंग आयोजित होगी तो वहां पर हम जिस मॉडल की ज़रूरत होगी उस मॉडल को निकालकर उससे प्रशिक्षण देने की तैयारी हमारी है, और साथ में इसके एक पुस्तक भी छापने वाले हैं, जिसमें मॉडल के चित्र भी होंगे, जो सारे स्कूलों में सर्कुलेट करेंगे, तो ये हमारे शिक्षकों के लिए लाभदायी होगा। खबर समय जगत के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।